सिस्टम में रहने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं वोट हूं और आप बस एक नोट। इश्क मुर्शिद 8 अक्टूबर से इतवार शब 8 बजे। हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी। आई एम सो ग्लैड यू कम। तुम आती हो ना, मुझे लगता है मेरा पूरा घर सज गया है। आओ। बस आंटी। बैठो। अब तुम्हारे अब्बा जब लौटेंगे ना, तो हम फौरन तुम्हारे घर आ जाएंगे और सिर्फ रिश्ते की बात नहीं करेंगे, डेट भी मांग लेंगे। जैसे आपको होना आसित लगे याद। परवीन, हाँ लाओ ना जूस दो। फल खाओगी? नहीं आंटी। श्योर? जी जी। चल। आंटी सारिम घर पर नहीं है क्या? नहीं, वो बड़ी संजीदगी से अब ऑफिस जाने लगा है। उसे अब अंदाजा हो गया है कि जिम्मेदारियां आ गई हैं सर पे। आंटी सारिम अलिश्पा की वजह से बहुत परेशान है। मैं कौन सा सुकून में हूँ? कहते हैं कि अगर उसके होते हुए मैं इस घर में आ गई तो मेरे लिए जिंदगी बहुत मुश्किल बना देगी। तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा करने की जरूरत भी नहीं होगी उसमें। आंटी आप उसकी एक्सपर्टी से वाकिफ नहीं है अभी। वो तो इस घर में होते हुए दूसरों के घरों में आग लगाने का हुनर जानती है। आपकी सोच से भी बहुत तेज है वो। अंदाजा हो रहा है मुझे। जाने किस किस को डसा है उसने। सारे में उसके जाल में नहीं फंसा तो आज तक उसकी जान अजाब करके रखी है उसने। और इसी तरह नवेरा। नवेरा? नवेरा का एक भाई है फारिस, वो भी अलिश्पा का शिकार रहा है। क्या? जी आंटी, असल में समन मेरी दोस्त है, फारिस की बीवी, और अलिश्पा ने तो अभी तक फारिस की जान नहीं छोड़ी, और अलिश्पा की वजह से फारिस और समन की आज तक नहीं बन सके। तभी जब हमने इसके लिए रिश्ता मांगा था तो उसकी फैमिली ने फौरन हाँ कर दी। इसकी हरकतों से वाकिफ होंगे ना, जान छुड़ाना चाहते होंगे। अलिश्पा तो अब भी चाहती है कि किसी तरह फारिस समन को छोड़ दे। ये फारिस तो सारिम का दोस्त भी है ना? जी सारिम फारिस और अलिश्पा के बारे में सब कुछ जानता है। बेवकूफ लड़का है, सब कुछ जानता है तो जबान क्यों नहीं खोलता? आंटी उसे पता है ना कि उसकी बात पर यकीन कौन करेगा। बल्कि समन ने तो खुद फारिस को कितनी दफा अलिश्पा के साथ पकड़ा, और अलिश्पा की फैमिली सब कुछ जानती है। अलिश्पा से बात हुई थी तुम्हारी? किस बारे में? मैसी? जी हुई थी। ठीक है, हमसे तो यही कहेगी वो। और फारिस से बात कर ली थी तुमने? जी कर ली थी। उसे अभी भी फिक्र है अलिश्पा की? नहीं, वो तो बस ऐसे ही उसे पूछ लिया था आपसे। मुझसे नहीं, तुमसे। वो तो जानता भी नहीं था कि मैंने फोन उठाया। जी इसका मतलब उसे भी खबर है कि अलिश्पा की जिंदगी पुरसुकून नहीं है। एक हम ही है जो अनजान बने बैठे हैं। नहीं जमान, उसे कुछ नहीं मालूम। उसका तो अलिश्पा के साथ कोई राबता भी नहीं। आई नो, अगर होता तो अलिश्पा की परेशानी के बारे में तुमसे क्यों पूछता, खुद ही उसे कॉल कर लेता। समान से वाकई बहुत फिक्र रहती है अलिश्पा की। हैरत है, समन जैसी बददिमाग बीवी के होते हुए उसे अलिश्पा की फिक्र है। समान मैं उसे बहुत समझाती हूँ कि वो अलिश्पा के बारे में सोचना छोड़ दे। बिल्कुल, अलिश्पा तो अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ना चाहती है ना, उसे किसी की फिक्रमंदी, किसी की हमदर्दी की क्या जरूरत है। समान अब बस दुआ करें कि वो अपनी लड़ाइयों में फतेहयाब हो। नहीं नवेरा, ये दुआ मांगते हुए मेरे होंठ कांपते हैं। समीर झंझोड़ता है मुझे, हम सबके होते हुए हमारी बहन अपनी लड़ाइयाँ खुद ही लड़ रही है। मैंने सब कुछ बता दिया आंटी को, अब तो खुश हो ना तुम। मैंने तो समन से भी अपनी दोस्ती की परवाह रखी सिर्फ तुम्हारे लिए। ओके, अपना ख्याल रखना। ओके बाय। कैसी थी सारिम की मामा? शी इज फाइन। अच्छा, क्या बताया उन्होंने, कब आ रहा है सारिम का भाई वापस?
मैंने पूछा ही नहीं। नंबर लिया तुमने? हाँ, मैंने नंबर क्यों लेना था? बेटा तुम्हारे पापा को चाहिए। हाँ प्लीज, पापा से कहें खत्म कर देंगे इन्वेस्टिगेशन। अगर उन्हें सारिम पसंद नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन मुझे है। टीना बिहेव योरसेल्फ। हाँ पापा कभी सारिम को घर बुला के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं, कभी उसे भाई से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं। इट्स इनफ। बैठो, बात करनी है तुमसे। बोलिए। क्या क्या छुपा रहे हो माँ से? क्या हो गया? तुम्हारा एक दोस्त है जिसका नाम फारिस है, उसका कभी जिक्र नहीं सुना? फारिस काफी बिजी होता है अपनी लाइफ में आजकल। अलिश्पा के साथ? आपको किसने बताया? तुम जानते थे कि अलिश्पा और फारिस का अफेयर है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? किस किस के बारे में बताता आपको? शादी करना चाहती थी वो उससे। आपकी बहू अलिश्पा ने बहुत सी उम्मीदें दिलाई थी फारिस को। फारिस मोहब्बत करता था अलिश्पा से, अभी भी करता, दोनों मिलते भी हैं। दरअसल फारिस की जो बीवी है समन, वो टीना की दोस्त है, और टीना जानती है कि समन की जिंदगी इस वक्त अलिश्पा की वजह से कितनी डिस्टर्ब्ड है। अच्छा सुने, अगर अब आपको पता चली गया तो भाई से कुछ मत कहना। कब तक चुप रहेंगे हम? वो लड़की सादान की आंखों में धूल झोंक कर फारिस के साथ मोहब्बतें निभा रही है, तो फिर सादान के साथ क्या कर रही है? आई नो मॉम, लेकिन प्लीज भाई को कुछ मत बोलिएगा, छोड़े। ताकि वो खुश फहमियों के इस ताज महल को सारी उम्र अपनी खुश नसीबी समझता रहे। मॉम, अब जो तूफान दब गया है उसे आप दोबारा क्यों जगा रही हैं? Forget it, अब क्या कर सकते हैं? अगर अलिश्पा अभी तक फारिस से मिलती है तो फिर तूफान सर पर खड़ा है और मेरा सादान बेखबर है। अलिश्पा का रिश्ता मांगने की तो हर मुमकिन कोशिश की थी फारिस की फैमिली ने, ये तो अलिश्पा की फैमिली है जो नहीं मानी। काश मानी जाते, कम अज कम मेरा बच्चा तो बच जाता। मैं तो कहता था आप लोगों को, लेकिन मैं ही सबको बुरा लगता था। कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड। समन, ये क्या हालत बनाई हुई तुमने अपनी? शायद फारिस को मेरी इस हालत से खुशी मिलती है। नहीं बेटा, तुमने फारिस का कुछ नहीं बिगाड़ा कि वो इस तरह तुम्हें ट्रीट कर रहा है। और ये तुम गेस्ट रूम में क्या कर रही हो? चलो अपने बेडरूम में। नहीं आंटी, मेरी जगह यही है, उसकी जिंदगी में एक मेहमान से ज्यादा कुछ नहीं। टेंशन मत लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला, वो अलिश्पा के बगैर अधूरा है। मैं तो सिर्फ बोझ हूं उसकी जिंदगी में। ऐसे मत कहो, किसी पर बोझ नहीं हो तुम। और मैं बात करूंगी फारिस से, क्या तमाशा बना रखा है इन्होंने? अगर अलिश्पा कभी उसकी जिंदगी में थी तो अब नहीं है, फिर क्यों वो अलिश्पा के शहर से बाहर नहीं निकलता? कभी भी नहीं निकलेगा वो उसके शहर से, और ना ही अलिश्पा कभी निकलने देगी। नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो तुम। समन अच्छी तरह जानती है मुझे मदिया आंटी की मुदाखलत अच्छी नहीं लगती, फिर भी उन्हें बुला लिया हमदर्दी के लिए। कोई बात नहीं बेटा, समन को बात कर लेने दो मदिया से। फारिस, तुम्हें जरा तरस नहीं आता उस पे? उसकी हालत देखो के क्या है, और तुम हो के उसे टॉर्चर देते हुए नहीं थकते। मैं उसके साथ रहता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कौन किसे टॉर्चर करता है। तुम्हारे लहजे की नफरत बता रही है कि तुम उसे कितनी अजियत दे रहे हो। ये नफरत भी उसने खुद पैदा की है, और जिससे आप इतनी हमदर्दी कर रही है ना, कभी उससे ये पूछें कि अगर मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी तो मैंने ये शादी क्यों निभाई। फारिस खामोश रहो। नहीं नहीं जुबैर भाई, बात करने दे, से बोलेगा तो सच उगलेगा। अरे मदिया,
छोटी सी बात हुई है इन दोनों के दरमियान में, मिल बैठ के सुलझा लेंगे। मिल बैठेंगे? मिल बैठने की ख्वाहिश होती तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। देखो मदिया, बात सीरियस ही है। फारिस को अगर उसकी कोई बात बुरी लगी है तो उसको समझाएगा तो सही ना, बताएगा। बाबा आप इन्हें वजाहतें क्यों दे रहे हैं? ये होती कौन है कि हमारे घर के मामलात में बोले? तमीज से बात करो फारिस। जुबैर भाई, तमीज सिखाने का वक्त गुजर चुका है। ये मुझसे जिस तरह बात कर रहा है, सोचे कि बीवी से किस तरह बात करता होगा। लेकिन जो कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, उसे मैं होने नहीं दूंगी। क्या चल रहा है मेरे दिमाग? मासूम बनने की जरूरत नहीं है। समन के सामने तुमने जो एतराफ किया है वो जानती हूँ मैं। अरे भाई, कैसा एतराफ? आपका बेटा अभी भी मोहब्बत करता है अलिश्पा से। तो मोहब्बत करता है तो क्या हुआ? उसकी मोहब्बत में इसने समन को तो नहीं छोड़ा ना? बहुत खूब। तो ये सब कुछ आपके शह पर हो रहा है। लेकिन मैं बता ही देती हूँ, अगर समन के साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। और अगर वो इतना भारी है तुम लोगों पे, तो बता दे मुझे, मैं उसे अपने घर ले जाती हूँ। दिमाग खराब हो गया इसका, तुम फिक्र ना करो। आपकी बहू अलिश्पा ने बहुत सी उम्मीदें दिलाई थी फारिस को। फारिस मोहब्बत करता था अलिश्पा से, अभी भी करता है, दोनों मिलते भी हैं। दरअसल फारिस की जो बीवी है समन, वो टीना की दोस्त है। और टीना जानती है कि समन की जिंदगी इस वक्त अलिश्पा की वजह से कितनी डिस्टर्ब्ड है। खैरियत, कोई परेशानी है? परेशानियां तो इंसान के साथ ही लगी रहती हैं अलिश्पा, ये भी कभी खत्म हुई? तुम बताओ, तुम तो परेशान नहीं हो। मैं? होगी भी तो कौन सा मुझसे शेयर करोगी? कुछ होगा तो जरूर शेयर करूंगी आपसे। कह दें जो कहना चाहते हैं। कुछ बातें कहनी बहुत मुश्किल होती है निश्चित, लेकिन कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनसे हर बात कही जा सकती है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में कोई ऐसा होता है। हमारी जिंदगी में है कोई ऐसा? आप हैं ना। हर बात कह सकती हूँ मुझसे? क्यों पहेलियां भुजवा रहे हैं, कहते हैं जो बात दिल में है। कभी किसी से मोहब्बत की है? प्लीज मेरा नाम मत ले ले, मैं तो अचानक से आ गया तुम्हारी जिंदगी में। क्यों, किसी से अचानक मोहब्बत नहीं हो सकती? जब कोई आपकी जिंदगी में आ जाए और आपके बंधन में बनकर आपकी जिंदगी के सारे तकाजे पूरे करते, तो उससे मोहब्बत ना होना फिर नाइंसाफी है ना? ठीक कह रही है, बहुत नाइंसाफी। पापा आपने बुलाया? हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मा बता रही है तुम मुझसे नाराज। नहीं, नाराज नहीं हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगा। आप लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है मुझ पे। मैं कभी भी अपने लिए कोई गलत इंसान चूज नहीं करूंगी। बैठो। तुम्हारे पापा को अच्छा नहीं लगा तुमने सादान के नंबर सारिम से नहीं लिया? हमा, अच्छा तो मुझे नहीं लगा, बल्कि सारिम को भी अच्छा नहीं लगता। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। अगर मुझे वाकई सादान से बात करनी होती तो मैं उसके ऑफिस से भी उसका नंबर ले सकता था। अच्छा किया तुमने सारिम से सादान का नंबर नहीं मांगा।
मुझे यकीन है उसने तुम्हें नंबर देना भी नहीं था। फुरकान, ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? जिस दिन वो हमारे घर आया था उसी दिन वो झूठा प्रूफ हो गया था। साधन कहीं गया ही नहीं था। जब उसने ये झूठ बोला उसके नेक्स्ट डे मैंने साधन के ऑफिस से पता कर लिया था। तो फिर उन लोगों ने आपसे झूठ क्यों बोला? मेरे पास इस बात का सिर्फ एक ही जवाब है, शायद इस मामले को सीरियस नहीं ले रहे। ऐसी बात नहीं है पापा। तो फिर सारिम को तो सच बताना चाहिए था ना टीना? सारिम जिस कॉन्फिडेंस से मेरे सामने झूठ बोल रहा था, मुझे यकीन है कि उसकी फैमिली को इस झूठ गर्म नहीं है। ये सारी कारिस्तानी उसकी अपनी है और वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली यहाँ आए। पापा आप लोग गलत अंदाजे लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सारिम की नीयत में खोट होती तो वो आपसे मिलने क्यों आता? इस बात का जवाब तो सारिम ही दे सकता है। मुझे सारिम से कोई जवाब नहीं लेना है। लेकिन टीना हमें जवाब चाहिए, सारिम ने तुमसे झूठ क्यों बोला? आप लोगों से कोई जवाब नहीं मांगे कि प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सारिम के इस झूठ की वजह जानती हो? जी जानती हूँ। और प्लीज मैं आपको बता रही हूँ, वो बहुत जल्दी आएंगे हमारे घर, आप थोड़ा सा सब्र रखें प्लीज। टीना रुको मदिया, बैठ जाओ। अभी वो कुछ भी नहीं बताएगी तुम्हें। आप सोए नहीं अभी तक? बेटा इस घर में हम तीनों को नींद कैसे आ सकती है? समन को कमरे में वापस ले आओ। आपको लगता है मैंने उसे कहा है गेस्ट रूम में जाने को? अगर नहीं भी कहा तो वापस आने को तो कह सकते हो ना? उसकी उल्टी बातें बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। जिनके साथ जिंदगी जीनी होती है ना, उनकी बातों को बर्दाश्त भी करना पड़ता है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वो अलिश्बा के रास्ते में कांटे बचाए। ना समझ है उसे, रिश्तों के तकाजों का नहीं पता। आप प्लीज सो जाएं। अजीब बात कर रहे हो तुम। तुम दोनों ने एक दूसरे को कमरों में कैद कर रखा और मुझे कह रहे हो सो जाऊं? कैसे सो सकता हूं मैं? ठीक है, अगर तुम नहीं कहोगे तो मैं जाकर मिन्नत कर लेता हूं उसकी। बेटा अभी तक जाग क्यों रही हो? जाके सो जा। ऐसे हालातों में आपके बेटे को नींद आ सकती है, मुझे नहीं। वो भी जाग ही रहा है। वो तो अक्सर जागा करता है अलिश्बा की यादों में। बेटा क्यों ऐसी बातें करती हो? दूसरों पे कीचड़ उछाल के क्यों अज़ियत में रखती हो अपने आप को? माहू में किसी पे कीचड़ नहीं उछाल रही, बल्कि वो दोनों खुद अपने आप पे कीचड़ मल रहे। आपको पता है मुझे लगता था कि फारिस की कोई गलती नहीं है, उसे अलिश्बा बहकाती है। लेकिन अब तो फारिस मेरे मुंह पे अपनी मोहब्बत का एतराफ कर चुका है, मेरे मुंह पे। इस एतराफ का तुम्ही ने तो कहा था उसे। अगर सच सुनने का हौसला नहीं था तो मजबूर क्यों किया उसे सच बोलने पर? मदी आंटी बिल्कुल ठीक कहती हैं। फारिस को इतनी शय इसलिए मिली है क्योंकि आप उसे कुछ नहीं कहते। देखो बेटा,
मधिया तुम्हारी हमदर्द जरूर है, लेकिन हमसे बढ़कर नहीं। उसकी बातों में इतना ना आओ कि फारिस और मुझसे बदगुमानियां इतनी बढ़ जाएं कि बाद में तुम्हें ही पछतावा हो। कौन सी बदगुमानियां मामा, ये सब तो सच है जो हम सबके सामने। अगर अपनी बात पे इसी तरह ही डटी रहोगी तुम तो मामलात नहीं सुलझेंगे समन। मामलात सुलझ ही तो रहे मामू, अलिश्पा की इस घर में आने की जगह बन रही है। शर्म करो समन, अलिश्पा अपने ससुराल में बस रही है, उसे बसा रहने दो। जिन्हें बसने का शौक होता है ना, वो दूसरों के घर नहीं बिगाड़ा करती। तुम्हें समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सादाना जल्दी ऑफिस चला गया? नहीं, एक्चुअली रात देर से सोए थे तो इसलिए आज हो सकता है शायद लेट जाए, अभी तक नहीं गए। वो क्यों रात को जागता है? उसको तो बड़ी सुकून की नींद आनी चाहिए। आंटी इंसान है वो भी, बोलते नहीं है कुछ, लेकिन टेंशन तो होती है ना जो घर में चल रहा है उसकी। काश उसे अंदाजा होता कि इस घर में क्या चल रहा है। अंदाजा है उन्हें आंटी, मसलहतन चुप है। तुम जैसी लड़की के साथ सब कुछ जानते हुए जिंदगी गुजारना मसलहत नहीं, बेशर्मी है। आंटी मुझे हर मामले में इन्वॉल्व मत किया करें प्लीज। तुम बस शुक्र अदा करो कि सदान तुम्हारे करतूत नहीं जानता। जिस दिन जान गया ना, ना तुम हमारी बातों में रहोगी और ना इस घर में। अच्छा, ऐसा क्या जानती हैं आप जो सदान नहीं जानते? दादा होशियार मत बनो, सब जानती हूँ तुम्हारे और फारिस के किस्से। जब तुम्हारी फैमिली से मिली थी तो मुझे जरा सा भी शक नहीं हुआ था कि उनकी बेटी के ये कारनामे होंगे। अब मुकर जाओ जैसे सारिम के मामले में मुकर गई थी। नहीं मुकरूंगी, जो किया है उससे कभी नहीं मुकरूंगी। अब मुझसे कोई सवाल जवाब करने मत बैठ जाना, मुझे घिन आती है इन मामले में बात करने की। कल रात सारिम से ये बात डिस्कस करते हुए आपको घिन नहीं आई? चलो अच्छा हुआ तुमने सारी बातें सुन ली, अब तो किसी सवाल जवाब की जरूरत ही नहीं। मैं तो ये सब कुछ बहुत पहले से जानती हूँ और इससे बहुत कुछ और भी जानती हूँ, इसलिए तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश करती थी कि सारिम बेकसूर है। अब यही कहूँगी कि अल्लाह तुम्हें अलिश्बा का असल चेहरा पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आपकी चाय। थैंक यू। फुरकान में बहुत डिस्टर्ब हूं टीना की वजह से। अंदाजा है मुझे इस बात का। सारिम की मामा से मेरी खुद बात होती थी, इतने अच्छे से बात करती थी, और मुझे भी ऐसे लगा कि वो टीना को ही अपनी बहू बनाना चाहती है। देखो मदिया, सब कुछ तुम्हारे सामने है। अगर वो वाकई ऐसा चाहती तो सारम इतने बड़े बड़े झूठ कैसे बोल सकता था? यही पजल तो सुलझ नहीं रहा और टीना भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। मैं सोच रहा हूँ सादान से मिल लूँ। टीना बहुत रिएक्ट करेगी। देखो मदिया, टीना को सारम से मिलने से रोकना होगा। मुझे लगता है अगर ये झूठ टीना ने सारम के कहने पर बोला है तो फिर टीना बहुत बुरी तरह सारिम के असर में है। सारिम के असर में होना एक अलग बात है, लेकिन इस झूठ में सारिम की फैमिली का शामिल होना, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। हो सकता है सारिम ने उन्हें मना कर दिया। तो फिर टीना को क्यों उम्मीदें दिला रहे हैं? फुरकान अगर आप इजाजत दें तो मैं सारिम की मामा से मिल लूं। देखें, हम बगैर किसी वजह के टीना को सारिम से मिलने से नहीं रोक सकते। लेकिन टीना तो इस पर भी रिएक्ट कर सकती है। वो मैं संभाल लूंगी। ठीक है, जाके देख लो, हो सकता है सारम का ये एटीट्यूड समझ आ जाए।
सादान, मुझे बात करनी है आपसे। मैं और फारिस, कम से कम मेरे सामने तो अपने नाम के साथ फारिस का नाम मत छोड़ो। सब कुछ बता दिया मैंने आंटी को, अब तो तुम खुश हो ना? थैंक यू सो मच। तुम्हारे सब बता देने से घर का माहौल बहुत बदल गया। मॉम और भाई दोनों की आंखें खुल गई। भाई ने मुझसे डायरेक्ट तो कोई बात नहीं की, लेकिन मॉम बता रही थी कि जब मैं और मॉम बात कर रहे थे तो भाई ने हमारी सारी बातें सुन ली। नाउ ही नोज एवरीथिंग अबाउट फारिस एंड अलिश्बा। सारी मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है यार। बोलो। डैड को पता चल गया कि सादान भाई कहीं नहीं गए थे। उन्हें किसने बताया? ये छोड़ो कैसे पता चला, सोचो मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई होगी उनके सामने। कितनी मुश्किलों से फेस किया मैंने उन्हें। तुम्हारे डैड को प्रॉब्लम क्या है? उनको मुझे इन्वेस्टिगेट करके क्या तसल्ली नहीं हुई थी जो अब मेरे भाई के पीछे पड़ गए? हाँ, नहीं हुई तसल्ली सारे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो, आई कांट अंडरस्टैंड। तुम्हारे डैड का ये एटीट्यूड बिल्कुल गलत है। तुम अपनी मॉम को और भाई को क्यों नहीं ले आते मेरे घर? ले आऊंगा यार, उसी के लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ। लिश्वा का तो अब बुरा वक्त शुरू हो चुका है और अब वो ज्यादा दिन इस घर में नहीं रहेगी। सारे मैं उसके साथ भी एडजस्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता। उसे इस घर से जाना ही होगा टीना, ताकि तुम इस घर पे राज कर सको जैसे तुम मेरे दिल पे राज करते हो। Really love you. सकीना बाजी, मेरे सर में थोड़ा दर्द है, प्लीज दबा दें। जी मैं सर दबा देती, मैं किचन का काम खत्म करके दबा देती। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे सर का दर्द, प्लीज ये ट्रे रखें, सर दबा दें। जी ठीक है मैडम। अगर बीबी जी ज्यादा दर्द था तो साहब जी को बता देती। कोई जरूरत नहीं है किसी को बताने की, बड़े साहब और छोटे साहब तो आपके लिए बहुत फिक्रमंद है। नहीं तो सकीना जाओ। माफ करें। बेटा अगर ज्यादा दर्द है तो मैं फारिस को कहता हूँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। कोई जरूरत नहीं, मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ, किसी को मेरा एहसास करने की जरूरत नहीं। ज्यादा दर्द होगा चले जाऊंगी। चलो ठीक है, रेस्ट करो। कहीं जा रही हैं आप? हाँ एक काम है। तुम कहाँ गई थी? मैं तो सारिम के साथ थी। समन के पास भी कभी कभी चली जाया करो, बहुत डिस्टर्ब है आजकल। उसे देख के मुझे बहुत अफसोस होता है। शिवा उसे कभी खुश नहीं रहने देगी। इसीलिए कहती हूँ उसके पास चक्कर लगा लिया करो, उसे एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। फिर कोई झगड़ा हुआ है उसका फारिस के साथ? अब तो फारिस ने खुलेआम ये एतराफ कर लिया कि उसे रिश्वत से मोहब्बत है और ये दोनों एक ही घर में अलहदा अलहदा रह रहे। उसे फारिस बहुत बुरा कर रहा है समन के साथ। अच्छा मैं ओके आती हूँ। तभी ठीक है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक है। वो बाबा ने कहा था मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊं। अगर जरूरत होगी तो मैं खुद जा सकती हूँ। अगर जा सकती तो चली जाती ना, इतनी केयरलेस क्यों हो रही है?
तुम्हारी केयर की जरूरत नहीं है मुझे। क्या चाहती हो तुम? जो मैं चाहती हूँ मेरे नसीब में नहीं है। तुमने अपना नसीब, अपनी जुबान और अपनी सोच से खराब किया। अगर तुम्हारे ताने बंद हो गए हो तो चले जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। अकेली ही रह जाओगी, अपने इस रवैये की वजह से हमेशा के लिए रह जाओगी। कोई बात नहीं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अपने इस अकेलेपन को अपना लिया। अफसोस इस बात का है कि तुमने मुझे और बाबा को भी अकेला कर दिया। हाँ तो जाओ, ले आओ ना उसे जो तुम लोग को अकेलापन दूर कर सकती है। इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करता। तुम अपनी गलतियों की जिम्मेदार भी लिश्पा को ठहराती हो। जाहिर सी बात है, मैं पागल जो हो जाती हूँ तुम्हारी रिश्ता सिर्फ महबूबा के बारे में। माफ कर दो मुझे, बाबा के कहने पे आया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिश्मा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी जी आइए, प्लीज बैठिए। अलिश्बा कहाँ है? ऊपर वाले लॉन्च में है, टीना बीबी की अम्मी के पास बैठी हुई है। उन्हें अलिश्बा से अब क्या काम है? आंटी गलत फहमी हो रही है आपको, मेरा जो भी ताल्लुक था फारिस के साथ वो मेरे माजी का हिस्सा था। अब मैं सादान के साथ हूँ और बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मैं यही चाहती हूँ कि फारिस भी समन के साथ खुश रहे। जब तक तुम फारिस की जान नहीं छोड़ोगी, समन कैसे खुश रह सकती है फारिस के साथ? आंटी मैं आपसे कह तो रही हूँ कि मेरा फारिस से कोई ताल्लुक नहीं है। अलिश्बा एक बात बताओ मुझे, फारिस तो अब भी यही कहता है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, अगर तुम उसकी जिंदगी में नहीं हो तो उसको इतनी हिम्मत किसने दी कि वो ऐसी बात करे? आपको नहीं लगता कि ये सवाल आपको फारिस से करना चाहिए? लेकिन इस सवाल का जवाब अगर फारिस के पास होता, तुमसे जवाब लेने के लिए नौबत ना आती। तो अपने सास और सादान की आंखों में तो धूल झोंक सकती हो, लेकिन मेरी नहीं। अगर फारिस को तुमने अपनी जिंदगी से निकाल लिया होता तो समन भी खुशी से रह रही होती, लेकिन तुम उसे अभी तक अपनी जिंदगी से निकाल ही नहीं पाई। मुझे लगता है मैं आपकी बात काफ़ी हौसले से सुन चुकी हूँ। वजाहत देने की आंटी मैं आपको बिल्कुल पाबंद नहीं हूँ, तो प्लीज। अगर समन पे तरस नहीं खा सकती तो कम से कम इन लोगों पर ही तरस खा लो जो बहुत इज्जतदार हैं। आपकी बेटी आ रही है ना इन्हीं इज्जतदार लोगों के घर में, बेफिक्र रहे आप। सही सुना था, काफी ढीठ हो। जब तक तुम फारिस की जान नहीं छोड़ोगी, समन कैसे खुश रह सकती है फारिस के साथ? अलिश्बा एक बात बताओ मुझे, फारिस तो अब भी यही कहता है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, अगर तुम उसकी ज़िंदगी में नहीं हो तो उसको इतनी हिम्मत किसने दी कि वो ऐसी बात करे? मैं तो ये सब कुछ बहुत पहले से जानती हूँ और इससे बहुत कुछ और भी जानती हूँ। तो अपनी सास और सादान की आंखों में तो धूल झोंक सकती हो, लेकिन मेरी नहीं। अगर फारिस को तुमने अपनी ज़िंदगी से निकाल लिया होता तो समन भी खुशी से रह रही होगी, लेकिन तुम उसे अभी तक अपनी ज़िंदगी से निकाल ही नहीं पाई। अब यही कहूँगी कि अल्लाह तुम्हें अलिश्बा का असल चेहरा पहचानने की तौफीक अता फरमाए। अगर समन पर तरस नहीं खा सकती तो कम अज़ कम इन लोगों पर ही तरस खा लो जो बहुत इज़्ज़तदार हैं। सोच में दिन रात गुजारी, हमने गमों की किसको दास्ता।
ना सुनानी हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी खेल बन गई है ये जिंदगानी। अलिश्बा तुम्हारा सादान से कोई राब्ता हुआ? उसका फोन बंद जा रहा है। नहीं आंटी मैंने कॉल की थी बाकी फोन ऑफ है उनका। इसी वक्त का डर था मुझे कि उसका घर लौटना मुश्किल हो जाएगा। तुम तो ढीठ हो ना सबको फेस कर लेती हो। वो कैसे फेस करेगा हम सबको? आंटी कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि वो फेस ना कर पाए किसी को। मैंने कहा ना तुम ढीठ हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इज्जत और गैरत वालों को फर्क पड़ता है। जिस दिन उनकी इज्जत और गैरत पर हर्फ आएगा ना उसी दिन मैं उन्हें छोड़कर यहाँ से खुद चली जाऊँ। फारिस के पास? बड़ी हैं आप आंटी कम से कम इसी बात का लिहाज कर लें। तुम बस दुआ करो कि वो वापस लौट आए। समरा के जाने के बाद मैं किस तरह उसको जिंदगी में वापस लाई थी ये मैं ही जानती हूँ और अब तुम्हारे फरेब की वजह से वो जिंदगी से फिर से दूर हो गया। इस बार पता नहीं लौटेगा अपने कि नहीं। मैंने ऐसा कोई फरेब नहीं किया पर जहां तक आपके मेरे घर के चक्कर काटने की बात है तो मैंने मजबूर नहीं किया था। इसी गलती का तो खमियाजा भुगत रहे हैं हम। खेल